अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कुछ इस तरह का डेबिट कार्ड मिल चुका है, आपके घर पर ये डिलीवर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है आप इसकी एटीएम पिन जो है जनरेट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम घर बैठे बैठे इस कार्ड की एटीएम पिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सही से समझ सके कि हमें कहां पे कौन सा स्टेप लेना है और किस तरह से हम अपने मोबाइल फोन से ही इसकी जो है पिन जनरेट कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तब जाकर हम इस कार्ड की जो है पिन सेट कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारा मोबाइल नंबर जो है बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, जिसपे हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों मैसेजेस मिलनी चाहिए, तब जाकर जो है हम मोबाइल फोन से इसकी पिन सेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वो है कि हमारे पास PNB1 एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, रजिस्टर हम उसमें होने चाहिए। अगर हमारी रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं हुई है और पहली बार हमने डेबिट कार्ड लिया है, तो हमारे लिए तीसरी कंडीशन बन जाती है कि हमारा आधार कार्ड जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, तब जाकर जो है हम PNB1 की जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपके पास कोई डेबिट कार्ड रहा है और आपने ऑलरेडी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो आपके लिए तो ओके है। थर्ड कंडीशन जो है आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, उसमें SMS पैक और साथ ही इंटरनेट पैक, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाकर जो है आप बिल्कुल मोबाइल फोन से इसकी पिन जो है सेट कर सकते हैं। चलो अब जान लेते हैं क्या स्टेप्स हैं, हमें कहां पे कौन सा स्टेप लेना है ताकि हम जो है मोबाइल फोन से इसकी पिन सेट कर सके। आते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और देखते हैं ये सारे स्टेप्स। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो डिजिटल कौशल फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिजिटल कौशल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी PNB अकाउंट होल्डर्स तक पहुंच सके और वो अपने डेबिट कार्ड का पिन जो है आसानी के साथ अपने मोबाइल फोन पे ही सेट कर सके। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में, वहां जिस नंबर पे आपको ये मैसेज सेंड करनी है वो है 5607040। इस नंबर पे है जो हमें एक SMS सेंड कर देनी है, वो SMS क्या है चलो देख लेते हैं। आपको टाइप करना होगा DCPIN डेबिट कार्ड पिन, फिर एक स्पेस देनी होगी, स्पेस देने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर देना होगा और इस मैसेज को जो है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही सेंड कर देना है, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ लिंक होगा। फौरन बाद आपको वहां से एक रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको जल्द ही OTP भेज दिया जाएगा और आपको अलग से एक SMS इनबॉक्स में रिसीव हो जाएगी, जहां पे आपको जो है 6 डिजिट का OTP मिल जाएगा। इस मैसेज में लिखा होगा कि ये 6 डिजिट का पिन कोड जो है आपको डेबिट कार्ड पिन सेट करने के लिए दिया गया है, जिसकी वैलिडिटी जो है 72 आवर्स दी गई है। 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है अब आपको अपने ATM की पिन जनरेट करनी होगी। अब आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के PNB1 ऐप में। अगर आप ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन कर देना है, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको इसके लिए रजिस्टर कर देना है, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो के पहले में ही कहा है कि आपको किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको कार्ड्स का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, पहला ऑप्शन डेबिट कार्ड लिखा होगा, डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड, आपको लास्ट में आ जाना है, वहाँ पे लिखा होगा जनरेट ग्रीन पिन, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ से आपको शो हो जाएगा अकाउंट नंबर, यहाँ से जो है आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर देना है जिसका डेबिट कार्ड आपको मिल चुका है। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से जो है आपको अपना अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको कार्ड के 16 डिजिट जो है एंटर कर देने हैं, नीचे जो है एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी डेट जो है डाल देनी है, इसके नीचे जो है आपको 6 डिजिट का OTP डाल देना है, जो सबसे पहले हमने मैसेज यहाँ से टाइप की थी वहाँ से हमें 6 डिजिट का OTP जो है मिल चुका था, वो 6 डिजिट का OTP जो है यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा अकाउंट नंबर हमें शो हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है डेबिट कार्ड नंबर हमें शो हो जाएगा, यहाँ से एंटर न्यू पिन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है हमें अपनी नई ATM के लिए जो पिन है वो जनरेट कर देनी है, वो देनी है, जो आप रखना चाहिए वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं।
लास्ट में आपको कंफर्म न्यू पिन जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो आपने अभी 4 डिजिट की जो है पिन सेट कर दी है, यहाँ से लास्ट में आपको फिर से वो कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद नीचे आपको सबमिट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, सबमिट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देनी है और हमारी जो पिन है वो सबमिट कर देनी है। वेट करना होगा जब तक ये प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस तरह की मैसेज हमें देखने को मिल जाएगी। सक्सेस, योर डेबिट कार्ड पिन हैज़ बीन सेट। यहाँ से हमें मैसेज देखने को मिल रही है कि आपके डेबिट कार्ड की पिन जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है, इसे जो है किसी के साथ भी शेयर न करें। इस तरह से जो है आपने बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने डेबिट कार्ड की पिन जो है सेट कर ली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।